बाद वाले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, इससे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, नी स्ट्रेट रहेगा, स्लो रिलीज करेंगे, एक और बार करेंगे, पूरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, स्लो रिलीज करना है। सेकेंड होल्ड करेंगे, ये हिप फ्लेक्सर वगैरह स्ट्रेच होगा अच्छा। अदर साइड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, ये रनिंग के बाद वाले एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो इसमें होल्ड करना है। रनिंग के पहले वाले डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं, उसमें होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहां से पास आएंगे, सामने आएंगे, ये जो हील है पीछे का, इसको जमीन पे फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, काफ स्ट्रेच होगा इससे। उसके बाद यहां से ऊपर देखेंगे, से काफ स्ट्रेच करेंगे, हील को पूरा जमीन पे फ्लैट करने का कोशिश करना है, पैरों को काफ स्ट्रेच होगा, ये काफ स्ट्रेच होगा। फिर यहां से ऊपर देखेंगे, टो को टच करेंगे और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, एक और बार करेंगे, सेकेंड होल्ड, स्लो रिलीज, अभी कुछ सीटिंग जो चीज करेंगे, इसको ये हाथ से प्रेस करना है, ये पूरा एडक्टर स्ट्रेच होगा, ग्रोइन एरिया और एडक्टर, ये पूरा स्ट्रेच होगा। होल्ड करेंगे ऐसे स्ट्रेच पोजीशन में, रिलीज, एक और बार, ओके, इसको पैर स्प्रेड करेंगे, स्ट्रेच होगा फिर लेफ्ट साइड, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, फिर बैक स्ट्रेट रख के सामने देख के ऐसे आगे आएंगे, इसको होल्ड रखेंगे 5 सेकेंड, होल्ड रखेंगे, धीरे छोड़ेंगे, रिलैक्स। बीच बीच में पानी, नींबू पानी का सिप लेते रहना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये फिर हैमस्ट्रिंग के लिए, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड,
अभी दूसरा एक्सरसाइज, राइट पैर ऐसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे, लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट कोनी से इसको अंदर पुश करना है। ये आईटी बैंड के लिए, आईटी बैंड स्ट्रेच के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और यहाँ से पीछे देखना है, यहाँ से पुश करना है, यहाँ से पीछे देखना है और होल्ड करना है 5 सेकेंड। पूरा स्ट्रेच होगा। अच्छा, अदर लेग अभी लेफ्ट पैर क्रॉस करेंगे और राइट हाथ से यहां पुश करेंगे। इसको भी 2 बार करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, आराम से बैठेंगे, ये पूरा रिलैक्स होगा, ये क्वाड्रिसेप्स पूरा रिलैक्स होगा। नेक अप डाउन करेंगे, अभी यहां से ऐसे जाके आगे शोल्डर स्ट्रेच करना है और यहां से बैठने का कोशिश करना है, आगे से पुल करना है, दोनों तरफ से बॉडी पुल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से क्वाड, इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड, होल्ड करना है। दूसरा लेग, ये रनिंग के बाद वाले एक्सरसाइज है, इसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग, तो 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। रनिंग के पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना है, इंजरी होने का चांस होता है, तो ये रनिंग के बाद वाले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होल्ड करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके, 2-2 बार करेंगे इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहां से स्लो डाउन जाना है, स्लो अप आना है। एक और बार को बैक का पेन है, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और एब्डोमिनल कोर वर्कआउट के बाद भी इसको, हर कोर वर्कआउट के बाद ये वर्कआउट कंपलसरी करना है, जो मैंने अभी किया था। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन, स्लो डाउन, पेट के ऊपर आना है सिर्फ। एक और बार
करके रोल करना है। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें दम नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली गिरने देना है बॉडी को। उसके बाद नेक्स्ट पीछे जमीन को टच करना है एक और बार। बीच में सिप लेते रहना है। अभी बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्टिंग के डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घर में ही करना है। डायनामिक स्ट्रेचिंग का वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसको यहाँ पे जगह नहीं है, ये राइट लेग को हाथों पे टच कराना है। ये देखिए ऑपोजिट लेग को ऑपोजिट हैंड की तरफ लेके जाना है एक और बार। ये बॉडी ऐसे ही रहेगी, सिर्फ पैर लगाना है यहाँ पे। बैक के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें ग्लूट स्ट्रेच होगा। देखिए ऐसे आगे जाना है, पीछे आना है, फिर से ग्लूट स्ट्रेच होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलैक्स करना है, बीच बीच में रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिज है। ब्रीदिंग अंदर लेके धीरे से आप लाना है बॉडी। नीचे आते वक्त सांस छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार करना है, ये स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ब्रिज। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज स्लो छोड़ना है, इसको चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। ये लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, एक और बार करेंगे। उसके बाद में एटलीस्ट 2 मिनट शवासन पोजीशन में रिलैक्स करना है।
उसके बाद मिनिमम 5 टाइम्स ब्रीदिंग करना है। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को हफ्ते में मिनिमम 3 या 4 दिन प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है फुल बॉडी का रनिंग के बाद। तो ये थे दोस्तों स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रनिंग के बाद। जो मैंने कल वीडियो डाला था वो डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थे, उसको रनिंग के पहले करना है। डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में स्ट्रेच को होल्ड नहीं रखते हैं, इतना ही डिफरेंस है। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में स्ट्रेच को 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।